आप लोगों से एक अनुरोध भी है कि आप अपने धर्म का बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से निर्वाह कीजिएगा। मैं आज भगवान को मानकर, भगवान को साक्षी मानकर, अल्लाह को साक्षी मानकर, गुरुजी को साक्षी मानकर, जितने भी हमारे इस देश में धर्म है, जातियां हैं, सबको साक्षी मानकर अपनी बात जो कहूंगा उसमें कोशिश करूंगा कि मैं 100% सच बोलने का प्रयास करूं, क्योंकि ये सच की लड़ाई है। सच की लड़ाई में आप लोगों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस देश के इतिहास के लिए, हम सब लोगों के लिए, एक आम आदमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मुद्दे सब वही हैं जो आप लोगों ने पिछले दिनों देखे हैं, जो आम आदमी पार्टी ने आप लोगों के बीच में किए थे, वही मुद्दे हैं। लेकिन उनमें क्या बदलाव आया, क्या हेरफेर हुआ है, क्या रिफंड बैठ हुआ है, क्या करनी और कतनी में फर्क आया है, वो आप लोगों के सामने मैं बताऊंगा। और उसके बाद पार्टी की कुछ पॉलिसीज जो पिछले दिनों मैंने देखी, पिछले दिनों में जो मैंने देखी पार्टी के अंदर की जो कार्यशैली है उसको देखा, वो आप सब लोगों के बीच में बताऊंगा। उसके बाद जितने सवाल आप लोगों के होंगे, पूरी ईमानदारी सच्चाई से प्रयास करूंगा कि उनका जवाब दे पाऊं आप लोगों को, क्योंकि 10 बजे का मैंने आपसे प्रॉमिस किया तो मैं बिल्कुल ठीक टाइम से आप लोगों के बीच में हूं। सबसे पहला सवाल है कि आम आदमी पार्टी बनी क्यों? आम आदमी पार्टी किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, किसी को एमएलए बनाने के लिए, किसी को एमपी बनाने के लिए नहीं बनी। आम आदमी पार्टी देश की जनता ने पिछले 10-15 वर्षों में दिल्ली में भ्रष्टाचार, देश में भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न और जितने भी तमाम मुद्दे थे, उन मुद्दों से परेशान होकर एक आंदोलन चला। उस आंदोलन से निकल के पार्टी बनी और उसमें अन्ना जी के आंदोलन का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही इस देश में। आम आदमी ने इन्हीं कारणों से की वजह से दिल्ली में विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छी बढ़त भी हासिल की और दिल्ली सरकार ने बनने से पूर्व, सरकार बनते समय सरकार ने जो वादे किए थे, वे वादे लेकर सरकार की कथनी और करनी में फर्क आ गया। वो क्या फर्क है वो आप लोगों के बीच में अभी मैं रखने जा रहा हूं। पहला पान मुद्दा है हमारा पानी का। चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी ने और मैंने प्रत्येक मंच से 700 लीटर स्वच्छ पानी हर घर को मुफ्त पहुंचाने का वादा किया था। 700 लीटर से ऊपर पानी का बिल देने की बात की गई थी, किंतु मैनिफेस्टो बनाते समय बड़ी चतुराई से इसमें 701 लीटर पानी होते ही पूरे पैसे लेने की बात जोड़ दी गई। आप दिल्ली की जनता से एक बात पूछिएगा, जितने मंचों पे हमने बात कही, हमने ये बात कही कि 700 लीटर हर घर तक साफ स्वच्छ पानी पहुंचाया जाएगा और वो बिल्कुल मुफ्त होगा। और उसमें मैनिफेस्टो बनाते वक्त एक बहुत चतुराई से एक बात जोड़ दी गई कि 701 लीटर से जो ज्यादा पानी खर्च करेगा वो उसे पूरे पैसे देने होंगे। मैं बता दूं, मैनिफेस्टो मेरे ख्याल से 2% लोगों के पास भी नहीं पहुंच पाता है। कितने लोग मैनिफेस्टो पढ़ पाते हैं आप बताइए, जितने पत्रकार बंधु मेरे साथ, आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये सीधा सीधा जिस मंच से मैंने बोला, अरविंद भाई ने बोला, जितने हमारे वक्ता थे उन्होंने बोला, ये बोला 700 लीटर स्वच्छ पानी हर घर तक पहुंचेगा, लेकिन बहुत चतुराई से बात जोड़ दी गई कि 701 लीटर जैसे ही होगा उस पर पूरा पानी उस आदमी को देना पड़ेगा। ये मैनिफेस्टो, ये दिल्ली की जनता के साथ कहीं ना कहीं शब्दों का खेल है, ये सबसे बड़ा धोखा है दिल्ली की जनता के साथ। दूसरी बात, दिल्ली में जब पिछले दिनों अरविंद भाई ने अनशन किया था पानी को लेकर, बिजली को लेकर, तो उस समय एक बात बहुत जोर शोर से कही दी गई थी कि दिल्ली में जो जितने भी पानी के नाजायज बिल आ रहे हैं उनको जनता देना बंद करे, और उसके समर्थन में 10,52,000 लोगों ने अपनी समर्थन की चिट्ठियां आम आदमी पार्टी के, जहां अनशन स्थान पर सीमापुरी में हो रहा था, वहां लोगों ने दी। और उनसे यह भी कहा गया कि जब सरकार बनेगी तो जितने भी पानी के बिल हैं आज तक, जब सरकार बनने तक, सारे बिल माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन आज उन वादों का कोई नाम लेने वाला नहीं है। सरकार बनने के बाद बड़े बड़े लोग अपने सचिवालय और बड़े बड़े ऑफिस में बैठ गए हैं, उनके पास जनता को तो प्रयास भी किया तो जनता पहुंच नहीं पाती है। फेस करना पड़ता मेरे जैसे लोगों को, क्योंकि हम जनता के बीच में बैठने वाले रोड पे बैठने वाले लोग, तो ये फेस करने वाले ये हैं। और ये बड़ा धोखा है 10,52,000 लोगों ने के साथ, ये परिवारों के साथ ये धोखा है कि उन्होंने ये प्रॉमिसेस किया था कि जब भी सरकार बनेगी आपके सारे बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे। आज लाखों लाखों रुपए के बिल लोगों के घरों में है, उसमें कोई पूछने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है,
इससे बड़ा दिल्ली की जनता के साथ क्या धोखा हो सकता है। दूसरी बात थी बिजली। बिजली में हमने सीधा सीधा हर मंच पे एक बात कही थी, मैंने भी कहा, अरविंद भाई ने भी कहा, जितने प्रवक्ता थे उन सब लोगों ने कहा कि बिजली के हम 50% दाम सीधे सीधे कम करेंगे। उसमें कहीं भी कोई कंडीशन नहीं थी, उस दिन कोई शर्त नहीं थी। उसमें सीधा सीधा बोला गया था किसी का 1,00,000 बिल होगा तो 50,000 होगा, किसी का अगर 50,000 बिल होगा तो 25,000 होगा, किसी का 10,000 बिल आएगा तो 5,000 बिल होगा, किसी का 1,000 बिल होगा तो 500 रुपये होगा। ये सीधा सीधा सबको बोला गया था, दिल्ली की जनता को यही मैसेज था। और उसके बाद ये कहीं नहीं था कि भाई कॉमर्शियल के साथ हम भेदभाव करेंगे, कहीं इंडस्ट्रियल के साथ हम हेराफेरी करेंगे, रेजिडेंशियल के साथ कुछ हमारे अलग नियम होंगे, या झुग्गी बस्ती के लिए अलग होंगे, रिसेटलमेंट कॉलोनी के अलग होंगे। ये कहीं कहीं किसी मंच पे नहीं कहा गया, लेकिन बहुत चतुराई से चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने बहुत जल्दी में 400 वाली यूनिट वाली एक स्कीम बनाई और सब्सिडी देके अपनी पीठ थपड़े शुरू कर दी। ये बहुत शर्मनाक चीजें हैं। ये दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए एक तरीका था। आपको क्या जल्दी थी इतनी? आपने 3 महीने का समय दिल्ली की जनता से लिया था। आपको क्या जरूरत पड़ी थी चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के बाद आप वाहवाही लूटे दिल्ली में? ये बहुत शर्मनाक बात है। और इससे कम से कम दिल्ली की 90% जनता अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है आज। ये उसके बाद सेम कंडीशन जब दिल्ली में पानी और बिजली का आंदोलन चल रहा था, उस समय दोनों, क्योंकि 10,52,000 चिट्ठियां लोगों ने साइन की थी, उनसे भी ये प्रोमिसेस किया गया था कि भाई जब दिल्ली की जनता में दिल्ली में सरकार बनेगी तो आप जो नाजायज बिल देना बंद कर रहे हैं सारे बिल आपके माफ कर दिए जाएंगे। और आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं। दिल्ली की जनता ने 10,52,000 परिवारों ने चिट्ठी साइन करके आपको दी, उसमें हजारों लोगों के ऊपर चोरी के केस बने, लोगों के कनेक्शन कटे। अरविंद केजरीवाल जी ने और साथ में और साथियों ने सारे वॉलंटियर्स से वो कनेक्शन जाके उनके घरों में जोड़े, लेकिन उसका खामिया दिल्ली की जनता को, जिन लोगों ने उनका समर्थन किया उनको भुगना पड़ा। उनपे लाखों लाखों रुपए के बिल आज पेंडिंग है। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन तलाशेगा कि उन लोगों के साथ क्या होगा जिन लोगों ने वो बिजली के बिल आपके समर्थन में भरे? आज आप उसकी बात करने के लिए तैयार नहीं है, आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है उसकी। किसको फेस करना पड़ता? मेरे जैसे लोगों को बैठ के फेस करना पड़ता है। इसके बाद ये दो मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से सभी चैनलों से भी अनुरोध करूंगा और मैं भी एक प्रयास करूंगा कि कम से कम एक नई चीज निकल के आए। आम आदमी पार्टी रायशुमारी पे एक बहुत ज्यादा जोर देती है, हमने भी पिछले दिनों रायशुमारी बहुत कराई है। इन दो मुद्दों पे आप जितने भी चैनल मेरा सहयोग करना चाहे, दिल्ली की जनता का सहयोग करना चाहे, इन पे दोनों पे आप रायशुमारी जरूर कराइएगा कि दिल्ली के पानी के मुद्दे पे क्या कमेंट, मतलब आम आदमी पार्टी की क्या विचारधारा थी, बिजली के बिल को लेकर आदमी ने, आम आदमी पार्टी ने आपके बारे में क्या कहा था। और दिल्ली की जनता से पूछिएगा, आप जो भी तरीका आप अपना पाएं पूछ के जनता के सामने रखिएगा सारी बातें कि ये बात कही थी कि नहीं कही थी कि 700 लीटर हर घर तक स्वच्छ साफ पानी पहुंचेगा, ये बात कही थी कि नहीं कही थी कि बिजली आंदोलन के बाद जो लोग हमारा सहयोग करेंगे उनका बिल माफ कर दिया जाएगा। आप ये बात कही थी कि नहीं कही थी कि जो लोग बिजली आंदोलन में हमारा सहयोग करेंगे उनके बिल सरकार बनने के बाद माफ कर दिए जाएंगे, चोरी के जितने केस हैं वो वापस ले लिए जाएंगे, ये बात कही थी कि नहीं कही थी? ये पूछने का सवाल है। रायशुमारी कराइएगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, दिल्ली की जनता ये कहती है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, या हमारे सीनियर नेता आम आदमी पार्टी के जिन लोगों ने वादा किया था वो झूठ बोल रहे हैं, जो भी इसमें झूठा हो उसको अपने पद को छोड़ना होगा, चाहे वो विनोद कुमार बिन्नी हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, उसको अपने पद से त्याग पत्र देना होगा। दिल्ली की जनता किसी को भी झूठे वादों पर माफ नहीं करने वाली है। अगर मैंने झूठ बोला है, मैं आप मन से झूठ बोल रहा हूं, ये बातें अगर मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो दिल्ली की जनता से आप रायशुमारी कराइए। करने के बाद में ये पूछिए कि भाई ये वादे किए थे कि नहीं किए थे आम आदमी पार्टी ने, आज आम आदमी पार्टी के वादे क्यों बदल गए, इस पर रायशुमारी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता की राय आनी बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसपे ये पार्टी बनी, अन्ना जी वाला जनलोकपाल जिस दिन बनाने की बात हुई, तो उसमें एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाया गया था। ये बनाया गया कि सरकार बनने के 14 दिन के बाद 29 तारीख को दिल्ली में जनलोकपाल लागू कानून पास कर दिया जाएगा। 29 नवंबर वो डेट थी। मैं मानता हूं कि सरकार 28 तारीख को बनी, उसके बाद ये 15 तारीख से पहले जो कल डेट गई है, क्योंकि आज 19 दिन हो गए हैं, आज तक उनके वादे के अनुसार ये कानून बन जाना चाहिए था, क्यों नहीं बना? इसके पीछे मंशा क्या है आपकी, ये जनता के सामने आपको स्पष्ट करना होगा। ये वादे अगर आपने 15 दिन का प्रोमिसिस किया था, तो क्या आपके दिनों का समय सीमा जो निर्धारित करते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है? आप जनता को जो मर्जी स्टेटमेंट दे देते हैं,
आप ये बोल देते हैं 15 दिन में हम करेंगे, तो 15 दिन कहां गए आपके? आपने तो डेट निश्चित की। डेट निश्चित करने के बाद भी हम मानते हैं, दिल्ली की जनता मानती है, चलो भाई 15 दिन लेट सरकार बनी, 28 तारीख को सरकार बनी थी, तो आपको 10 तारीख से पहले 12 तारीख 11 तारीख में सब वो कानून बन जाना चाहिए था। अगर आप समय सीमा अपनी निर्धारित नहीं करेंगे, अपने अपने बोले हुए वाक्यों पर नहीं टिकेंगे, तो जनता आप पर विश्वास करना बंद कर देगी। अगर मैंने 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात की थी, अगर मैं 10:05 पर भी आता तो मैं किसी कमेंट में, मतलब अपनी बात को रखने में कहीं ना कहीं मुझे लगता कि मैं नाइंसाफी कर रहा हूं। समय की बहुत बड़ी सीमा होती है, क्योंकि समय हमारे पास कितना, 2 महीने। मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं ये भी मंशा झलकती है कि किसी तरह 2 महीने पास करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने पानी पे बहुत जल्दी में एक डिसीजन दे दिया, बिजली पे बहुत जल्दी में डिसीजन दे दिया, चंद लोगों को फायदा पहुंचाने का कोशिश की, और ये उसी तरह 2 महीने किसी तरह गुजार के आचार संहिता लग जाए, लोकसभा चुनाव आ जाए, हम लोग सत्ता भोगे, ये इनकी मुझे लगता है अंदर से मंशा है कहीं ना कहीं। ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि हमने अगर वादे किए हैं तो उनको पूरा करना चाहिए, उनमें हेराफेरी नहीं करनी चाहिए, उनमें धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, दिल्ली के साथ जनता के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। हम लोग अगर इस पार्टी से जुड़े तो हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं जुड़े, हम किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम करके नहीं जुड़े, हम विचारधारा के साथ जुड़े वाले लोग हैं। मैंने अपने जीवन का 10 साल, वो पॉलिटिकल जीवन के 10 साल उस समय इस पार्टी को देने शुरू किए जब इस पार्टी के पास कुछ नहीं था। मुझे बहुत दुख भी होता है कहते हुए कि ये लोग जब ये कहते हैं कि भाई मैं पद का लालची हूं, मुझे लोकसभा टिकट चाहिए, मुझे विधानसभा टिकट चाहिए, ये बहुत शर्मनाक बातें हैं। जिस दिन मैं आपकी पार्टी में आया तो आपके पास देने के लिए था क्या? आप क्या दे सकते थे मुझे? सच बताऊं तो आपको मैंने दिया, एक जनता का चुनाव हुआ जनप्रतिनिधि दिया, पहला पार्षद के रूप में मैंने एक आदमी आपको दिया, मैंने आपको एक नाम दिया जिसको अरविंद भाई ने लगभग 200 सभाएं अगर दिल्ली में की होंगी तो मेरी विचारधारा को लेकर जो मोहल्ला सभा कॉन्सेप्ट अरविंद भाई ने सब मंचों पर कहा उसमें से 190 सभाओं में मेरा नाम लिया होगा, मेरे नाम को यूज किया है, मेरी जो कार्यशैली है उसको यूज करके दिल्ली की जनता को एक सपना दिखाया है, उन्होंने सपना दिखाया है, मैंने वास्तविकता में पिछले 10 वर्षों में अपने कार्य क्षेत्र में उसको साक्षात्कार करके दिखाया है, स्वयं अपने आप करके दिखाया सारी चीजें। मैं वादों पर विश्वास नहीं करता, मैं करने में विश्वास रखता हूं। आज मुझे लालची बोलते हैं, पद का लालची बोलते हैं। इसके बाद महिला सुरक्षा की मैं बात करता हूं। आज मैं सुबह अखबार जैसे उठा, मेरे सामने एक अखबार आया, बहुत चिंता का विषय है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक विदेशी महिला के साथ गैंगरेप हुआ, उस पर कोई स्टेटमेंट देने वाला नहीं है। अगर आज मान लो इस सरकार की जगह कोई दूसरी सरकार होती तो ये आम आदमी पार्टी क्या कर रही होती? आंदोलन हो रहे होते, उसकी खाइयां खोदी जा रही होती, उसके खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया गया था। आज स्टेटमेंट तक नहीं है आपकी, एक लाइन भी नहीं बोली आप लोगों ने। शर्म आनी चाहिए आपको महिला सुरक्षा की बात करते हुए, क्योंकि आपने कमांडो फोर्स बनाने की बात की, कमांडो फोर्स बनाने तो बहुत दूर आपने उसकी बात शुरुआत तक नहीं की, वार्ड लेवल पे आपको मामला सभा, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव मामला था, महिला की सुरक्षा को लेके इतना बड़ा महत्वपूर्ण मामला है जो सबसे पहले कामों में सबसे पहली पंक्ति में सबसे पहला नंबर होना चाहिए था, जिसका जो पिछले देश ने पिछले 2 सालों में इतने बड़े बड़े आंदोलन जिस चीज के लिए हुए उसको आपने उस मुद्दे को गौन कर दिया, आपने इतने सेंसिटिव मामले को आपने सिर्फ वोट के रूप में तबलीत कर दिया, वोट के लिए यूज करने के लिए लोगों के बीच में ले गए, ये चिंता का विषय है। इसके अलावा और मुद्दे हैं, आपने चुनाव लड़ते लड़ते ठेकेदार प्रथा की बात की थी, उसमें सरकारी स्कूलों से लेके हॉस्पिटल से लेके जितने भी एमसीडी से लेके दिल्ली सरकार के तहत जितने भी ठेकेदार प्रथा के साथ तैयार जो लोग काम कर रहे हैं उनको आपने बोला था कि हम तुरंत उनको पक्का करेंगे। आज लोग आपके सचिवालय में आपसे मिलने जाते हैं, आपके पास समय नहीं है मिलने का, कैसा वादा आपने किया जनता के साथ? आपके क्या करनी और कथनी में फर्क नहीं आया क्या? ये चिंता का विषय है। आपने हॉस्पिटल्स को लेकर यही प्रॉमिसेस किया कि हम जिस दिन सरकार बनेगी हम पहले दिन से उसकी व्यवस्था सुधारेंगे। आज हॉस्पिटल में आप चले जाइए, कहीं दवाई नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, कोई जांच जाने वाला नहीं है, आप मीडिया को बुलाते हैं, अपने साथ फोटो खिंचवाते हैं, घर जाके सो जाते हैं, ऐसे देश चलेगा क्या? ये वास्तविकता है क्या इस देश की? आप कहीं रेड करने जाते हैं तो पहले मीडिया को अरेंज करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पब्लिसिटी चाहिए, आप ड्रामे में विश्वास रखने वाले लोग हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश के लिए, इस जनता के लिए, जिसे मैंने साठ गांठ का नाम दिया। सब लोग समझते होंगे साठ गांठ क्या होता है। चुनाव के दौरान हमने कसम खाकर जनता को विश्वास दिलाया था कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से न समर्थन लेंगे न देंगे, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत चतुराई से चंद लोगों ने मिलकर सरकार बनाने का जाल बुना, मिलाकर उसका ये सामने रिजल्ट आया है कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री और भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ आपने आज तक एक आदेश तक नहीं दिया है कि इनकी जांच की जाए। आपने एक आदेश तक नहीं दिया कि जो लोग जिन पे आपने, जिस मुद्दों पे आपने,
जिस मुद्दे पे आपने आठों के पीछे लगा लगा के पोस्टर पूरी दिल्ली को ये बताया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी है, दिल्ली के मंत्री भ्रष्टाचारी हैं, आज आप उनके खिलाफ सरकार बनने की 19 दिन भी बाद भी आपने एक भी इंक्वायरी तक उनके खिलाफ नहीं उठाई। आपने तो हर मंच पे कहा था मेरे पास पर्याप्त सबूत है भ्रष्टाचार के। पिछले दिनों आपने जब विधानसभा सत्र चालू हुआ तो मैं उस सत्र में मौजूद था, आपने डॉक्टर हर्षवर्धन से एक लाइन कही जो बहुत चिंताजनक विषय है। आपने कहा अगर आपके पास मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई मुकदमे मतलब आपके पास कोई सबूत है तो आप दीजिए, हम उसकी जांच करेंगे। इसका मतलब आज से पहले जितने वादे आपने मंच पे खड़े होकर किए क्या वो सब झूठे थे? आपके पास कोई पर्याप्त सबूत नहीं था? आपके पास सबूत नहीं था तो आपको किसने अधिकार दिया किसी को भ्रष्टाचारी कहने का?